अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीक 4 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोजेक्ट मेथडोलॉजीज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल एंड प्रोजेक्ट मेथडोलॉजीज। फॉलोइंग आर द मोस्ट frequently used project management methodologies in the project management practice, which are first one adaptive project framework. In this methodology, the project scope is available. Additionally, the time and cost are constant for the project. So students, पहली जो type है वो है adaptive project framework. इसके अंदर ये होता है कि project का जो scope है वो variable होता है, यानी change होता रहता है, लेकिन उसकी जो cost है और उसकी जो अदर कॉन्स्टेंट्स हैं, उसका जो टाइम है वो आपका जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। यानी टाइम और कॉस्ट चेंज नहीं होती, बल्कि प्रोजेक्ट का जो स्कोप है यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, वो जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आपके जो है वो वेरिएबल वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। देयरफॉर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट स्कोप इज एडजस्टेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और जब आप इस प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो आपको अपने बिजनेस वैल्यूज के साथ साथ जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका जो प्रोजेक्ट इस नेचर का है कि उसके अंदर फ्यूचर में जाके आपको अंदाजा हो कि आप उसका स्कोप जो है आपको चेंज करना पड़ेगा बिजनेस वैल्यूज को सामने रखते हुए, तो फिर आप अडाप्टिव प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को चूज करेंगे। ठीक है, तो फिर ये मेथड जो है वो मोस्ट सुटेबल होगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इस मेथड के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, आपकी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज होगा। देन सेकंड जो मेथड है वो है जी अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अजाइल वर्ड जो एजिलिटी से निकलता है, ठीक है। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इज फॉर अ प्रोजेक्ट दैट नीड्स एक्सट्रीम एजिलिटी needs extreme agility in the requirement, कि आपको बार बार आपकी requirement के अंदर जो है वो तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से इन तब्दीलियों को आप accommodate कर सके अपने project के अंदर। The key feature of agile are its short term delivery cycle, यानी कि उसके जो sprints हैं, यानी से उसके milestones हैं, उसके जो cycles हैं, उसकी जो delivery के जो आपने steps आपने decide किए हुए हैं, उनको जो है अगर आप जल्दी से डिलीवर करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। अजाइल रिक्वायरमेंट्स, डायनामिक टीम कल्चर, लेस रिस्ट्रिक्टिव प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड एम्फेसिस ऑन रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इसके जो है बेसिक फीचर्स हैं। नंबर वन फीचर क्या था कि इसके अंदर जो है आपकी जो डिलीवरी के माइलस्टोन्स हैं उनकी टर्म जो है वो थोड़ी है, उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तब्दील हो रही हैं, उसके बाद आपका जो टीम का कल्चर है वो भी तब्दील होता रहता है। ठीक है, डायनामिकल है, वो भी स्टैटिक नहीं है, डायनामिकल है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है इतनी ज्यादा नहीं है, एंड एम्फसाइज ऑन रियल टाइम कम्युनिकेशन। आज जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन आपकी कस्टमर के साथ होती रहती है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो साथ साथ तब्दीलियां लेकर आते जाते हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि आप क्या करते हैं जब एक माइलस्टोन डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर को, तो कस्टमर उसको चेक करने के बाद में भी उसके अंदर मजीद आपको चीजें एड अप करने को बोले। ठीक है, तो तीसरी जो मेथड है हमारे पास, जो तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है वो है जी क्रिस्टल मेथड। क्रिस्टल मेथड क्या है जी, इन द क्रिस्टल मेथड द प्रोजेक्ट प्रोसेसेस आर गिवन अ लो प्रायोरिटी। कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द प्रोसेसेस दिस मेथड फोकसेस मोर ऑन टीम कम्युनिकेशन। कि आप जो है प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस के ऊपर तवज्जो कम देते हैं और अपनी टीम की कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, टीम मेंबर्स की स्किल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, पीपल की इंटरेक्शन के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो क्रिस्टल मेथड्स कम अंडर अजाइल कैटेगरी। तो ये भी आपका जो प्रोजेक्ट है, ये भी जो प्रोजेक्ट को डील करने का जो मेथड है, ये भी आपका एजिलिटी से रिलेटेड ही है। और समझ लें कि एजिलिटी की एक सब टाइप ही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है आपकी टाइम और ड्यूरेशन आपका जो है वो आपका स्टैटिक रहता है,
आपकी डिलीवरी जो है वो शॉर्ट टर्म रहती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अजाइल हैं, ठीक है, यानी तब्दील हो रही हैं। तो इसलिए आपको अपने उन तब्दीलियों को अकोमोडेट करने के लिए अपने टीम मेंबर्स की स्किल को और उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन को जो है जब तक आप अकोमोडेट नहीं करेंगे तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फोर्थ जो मेथड है हमारे पास वो है जी डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, इसको आप DSDM भी बोलते हैं, DSDM डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल। दिस इज द सक्सेसर ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड। ये रेड का पता है आप लोगों को, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये भी एजाइल से मिलता जुलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड। तो ये क्या है, ये कि उसकी एक उसका एक एनहांस्ड वर्जन है। दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ अजाइल, ये भी एजिलिटी के साथ रिलेट कर रहा है। इसके अंदर भी क्या है, रैपिड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि जल्दी से अपने फेजेस को आप पार्ट्स में डिवाइड करके फेज वाइज जो है आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, माइलस्टोन वाइज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को पहले से ही छोटे छोटे पार्ट्स में माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी एंड बूस्ट अबाउट द ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंट सपोर्ट दिस मेथोडोलॉजी हैज, ठीक है। तो आप उस मेथोडोलॉजी को, इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपनी टीम को उससे रेलिवेंट जो है वो ट्रेनिंग्स देते हैं, उससे रेलिवेंट आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और अपने माइलस्टोन को जो है एजिलिटी को यूज करते हुए आप उनको जल्दी से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड एम्फसाइज मोर ऑन द एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो आपका जो यूजर है एंड यूजर आपका, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप प्रोजेक्ट आपका बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे आपको रिक्वायरमेंट आपकी साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग में आती रहेंगी, आप उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ जो है वो कम्प्लीट करते जाएंगे और उन माइलस्टोन्स को अपने कस्टमर को डिलीवर करते जाएंगे। तो ये जो फोर्थ टर्म हमने डिस्कस की है डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। डायनामिकली क्रिस्टल और एजिलिटी, देखो कि ये तीनों जो चीजें हैं ये आपके पास ये बिल्कुल सेम आ रही हैं, ठीक है, एजिलिटी, क्रिस्टल मेथड और डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल। उसके बाद जी आपके पास क्या है कि आपके पास फिफ्थ जो टर्म है, फिफ्थ टर्म ये है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP का नाम सुना हुआ होगा आपने, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। Lowering the cost of requirement changes is the main objective of extreme programming. ठीक है, किसका मकसद क्या है कि आप अपनी requirement के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसकी cost को कम से कम कर सकें। XP emphasize on a fine scale feedback. ठीक है, ये आपको एक एक ऐसा framework provide करती है जिसके अंदर आप अपनी हर requirement को अच्छे तरीके से deal कर सकते हैं, ठीक है। जो फीडबैक आपके कस्टमर की तरफ से आ रहा है और उसमें रिक्वायरमेंट चेंजेस करने को वो बोल रहा है, उसको आप जो है वो फाइन तरीके से जो है एम्फसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्रामर की है वो भी आपके प्रोजेक्ट के साथ वो अच्छी इस्टेब्लिश हो सकती है। इन XP देर इज नो डिटेल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बिल्ड, कि आप स्टार्ट में ही जो है अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को या स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट शक्ल नहीं दे लेते, ना ही उसका कि एक कंप्लीट आपने वही डायग्राम जो है वो इन जो है नेक्स्ट फ्यूचर भी जाके हर फेज के अंदर वही यूज कर रही हैं, बल्कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको कस्टमर से मिलती जाएंगी, ठीक है, आपके प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, उसके मुताबिक आपकी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स आपकी वो कंप्लीट होती जाएंगी और आप उसका आर्किटेक्चर जो है वो साथ साथ बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी मोस्टली जो है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही है। देन है जी फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, वेरी सिंपल, दिस मेथोडोलॉजी इज मोर फोकस्ड ऑन सिंपल एंड वेल डिफाइंड प्रोसेसेस, ठीक है, कि आपने अगर आपको उस डोमेन का नॉलेज है, उन फीचर्स का नॉलेज है जो फीचर्स उस प्रोजेक्ट के हैं, तो इट मींस कि आप फीचर वाइज जो है काम करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये शॉर्ट आइटरेटिव है एंड फीचर ड्रिवन डिलीवरी साइकल्स, इसके जो साइकल्स हैं वो शॉर्ट होते हैं। All the planning and execution in this project type take place based on the features. कि जो भी planning करनी है, जो भी development करनी है, जो भी आपने implementation करनी है, वो किसकी base के ऊपर करनी है, वो आपने अपने project के features के ऊपर करनी है, ठीक है। Project के features जो है वो शुरू में ही जब project का scope define किया जाता है, उसके features define कर लिए जाते हैं, ठीक है, और उन फीचर्स की बेस पे ही प्लानिंग की जाती है फीचर वाइज, यानी कि आप मॉड्यूल्स बना लेते हैं कि इसके पहले इस फीचर पे काम करूंगा, फीचर वन पे, फीचर टू पे, फीचर थ्री पे, आप उनको नंबरिंग भी साइन कर सकते हैं, उनको आप प्रायोरिटीज भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच को भी यूज करके अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 है जी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, इसको ITIL का नाम भी बोलते हैं। दिस मेथोडोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि जो आपको अच्छा तरीका, सूटेबल तरीका नजर आता है, यानी इन सारे तरीकों के अंदर जो आपको अच्छा तरीका नजर आता है, आप उसको अडॉप्ट करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ITIL कवर्स अ ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो है नंबर सेवन क्या था, नंबर सेवन हमारे पास था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आपको जो भी बेस्ट प्रैक्टिस नजर आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, उस अप्रोच को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ITIL covers a broad aspect of project management which starts from the organizational management level, ठीक है, लेकिन हमेशा ये जो है ये स्टार्ट करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट लेवल को फोकस करना है लाजमी, ठीक है। ये ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनेजमेंट है आपकी, उसको जो है जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब तक आप उनसे अप्रूवल्स नहीं लेंगे, तब तक आप ख्याल रखिएगा कि अपने प्रोजेक्ट को कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। यानी सारी चीज जो सारी बात है वो खुद पे कभी नहीं लेनी है आपने, सारी चीज जो सारी आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके ओन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका नॉलेज जो है वो हमेशा जो है हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है आपके इंडस्ट्री की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उसके नॉलेज में लाजमी होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, और उनकी परमिशन। तो नंबर एट जो है हमारे पास वो क्या है जी, नंबर एट हमारे पास है आपके पास जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नंबर एट हमारे पास क्या है जी, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको JAD भी बोला जाता है। इन्वॉल्विंग द क्लाइंट फ्रॉम द अर्ली स्टेज, के शुरू में ही, स्टार्ट में ही आप अपने जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको आप लाजमी करार देते हैं। देखो कि इससे मिलती जुलती मैंने आपको पहले भी एक टाइप बताई है जिसके अंदर क्या था कि आप अपने कस्टमर को जो है वो साथ साथ इन्वॉल्व करवाते जा रहे थे, जिसमें था डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। एक कंपोनेंट डेवलपमेंट मॉडल भी होता है, ठीक है, वो भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस किया हुआ होगा, वो भी एक आपके पास जो है वो प्रोसेस मॉडल होता है, उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि शुरू में ही, स्टार्ट में ही आपने अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करना है अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही। With the project task is emphasized by this methodology. The project team and the client hold JAD sessions collaboratively. जो भी मीटिंग्स आपकी कंडक्ट हों उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपने अपने कस्टमर की, क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट को लाजमी करार देना है, ठीक है। उसके साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपकी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेजेज आपकी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके सामने ही सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। These JAD sessions take place during the entire project life cycle. और एक के ये ना हो कि आपकी जो है उस project के अंदर कि उसको हाउ ना हो, ना हो technical उसकी हाउ ना हो, ना हो अगर उस बंदे को, तो फिर आपको avoid करना चाहिए इस तरह के जो है अपने project management methods को adopt करते हुए, ठीक है। ये तब आप joint application development आप apply करेंगे जब आपका जो है जो क्लाइंट है वो टेक्निकल है, ठीक है, या उसने कोई टेक्निकल अपने मेंबर्स आपके साथ अटैच करने के लिए एग्री किया है उसने, ठीक है, तब आपने जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है, ठीक है। देन नंबर नाइन पे क्या है, लीन डेवलपमेंट। लीन का मतलब क्या है, लीन डेवलपमेंट फोकसेस ऑन डेवलपिंग चेंज टॉलरेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से आपने अकोमोडेट करना है। ये नहीं कहना कि अच्छा जी अब मुझे क्लाइंट ने तब्दीली करने को बोल दिया, मैंने तब्दीली नहीं करनी, इनको अकोमोडेट नहीं करना, ठीक है, तो वो तो आपका फायदा हो रहा है कि आप साथ साथ जो है वो आपके प्रोजेक्ट की जो बजट है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। इन दिस मेथड सेटिस्फाइंग द कस्टमर कम्स एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि देखो जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कस्टमर ही आपसे तब्दीलियां करवाना चाह रहे हैं, अगर कस्टमर ही आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। द टीम इज मोटिवेटेड टू प्रोवाइड द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द मनी पेड बाय द कस्टमर, कि अपनी टीम को समझा दो, अपने मेंबर्स को समझा दो कि भाई हमें जो है
उस कस्टमर की तरफ से जो है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर आ रही है हमें उसको कमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसकी वैल्यूज को कमोडेट करना पड़ेगा। नंबर 10 है जी आपके पास जी PRINCE2। PRINCE2 क्या जी, PRINCE2 टेक्स अ प्रोसेस बेस्ड अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन 8 हाई लेवल प्रोसेसेस, ठीक है, ये 8 हाई लेवल प्रोसेसेस यानी कि आपके पास जो है जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं उनको सामने रखते हुए जो है आप अपने प्रोसेस वाइज जो है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, प्रोसेस वाइज पैरेलल में सारे प्रोसेस जो है वो इकट्ठे रन नहीं करने, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीक्वेंस में आपने जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है वो टैकल करना है, मैनेज करना है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो किससे मिलता जुलता है आपके पास, ये आपके पास जो है ये भी एजिलिटी के साथ मिलता जुलता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड का मतलब भी क्या है कि आप जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। दिस मेथोडोलॉजी फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फास्टर विद हायर क्वालिटी। व्हेन इट कम्स टू गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर रहे होते हैं, इट यूजेस द वर्कशॉप मेथड, तो फिर आप कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं अपने क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, आपको वो वर्कशॉप मुनक्कद करवानी चाहिए जिन लोगों ने वो एंड यूजर्स जो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे उस इंडस्ट्री के उस ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर जाकर आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या डिप्लॉय करना है, वहां जाकर आपको उससे रिलेटेड एक वर्कशॉप मुनक्कद करनी चाहिए। प्रोटोटाइपिंग इज यूज्ड फॉर गेटिंग क्लियर रिक्वायरमेंट्स, और वहां पर आपको वर्कशॉप करके सर्वे करके लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग करके आपको पता चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, और आप अपने सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को फिर अच्छे तरीके से डेवलप कर सकेंगे अपनी डेवलपमेंट टाइमलाइन को सामने रखते हुए। इन दिस मेथड ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड इनफॉर्मल, ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही होगी वो आपकी इनफॉर्मल हो रही होगी। इनफॉर्मल वे में आपने उन लोगों को जो है वर्कशॉप के दौरान या क्वेश्चन आंसरिंग के दौरान कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो तो लेमैन होंगे, वो एंड यूजर्स होंगे, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा। नंबर 12 आपका रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस RUP, इसको समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 के अंदर भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये रैशनल यूनिफाइड जो प्रोसेस है इसके जो फेजेस हैं वो आपके जो है वो आपने जो पहले SDLC के अंदर जो फेजेस पढ़े होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है हम 3 मेजर जो है प्रोसेसेस को लेकर चलते हैं, ठीक है, पहले के अंदर क्या होता है आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर आपकी डिजाइनिंग तक का जो पार्ट है वो आपका फेज 1 में आ जाता है, उसके बाद फेज 2 के अंदर आपकी जो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, फेज 3 के अंदर जाके जो है उसकी टेस्टिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी इम्प्लीमेंट सॉरी उसकी जो है डिप्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है, तो इसके टोटल फेजेस 3 होते हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के। RUP ट्राइज टू कैप्चर ऑल द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज एंड ऑफर देम इन 1 पैकेज, ठीक है, तो आप उन सारों को मर्ज कर देते हैं, एक रैशनल एक जेनेरिक एक प्रोसेस बना देते हैं कि सारी चीजों ने इस जेनेरिक प्रोसेस के थ्रू ही क्या है एग्जीक्यूट होना है। दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज दैट सजेस्ट एन आइटरेटिव अप्रोच टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपको रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस से रिलेटेड मजीद आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर एक अलहदा से सेशन रख लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 है जी स्क्रम मॉडल। स्क्रम मॉडल क्या है, ये भी एक जो है अजाइल से मिलता जुलता मेथड है। द मेन गोल ऑफ दिस मेथोडोलॉजी इज टू इम्प्रूव टीम प्रोडक्टिविटी, कि आप इसमें अपनी टीम की स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं ड्रामेटिकली बाय रिमूविंग एवरी पॉसिबल बर्डन, ठीक है, कि उनके ऊपर जो है वो काम को कम कर दिया जाता है और उनको एक स्पेसिफिक डोमेन में लेकर चला जाता है। स्क्रम प्रोजेक्ट्स आर मैनेज्ड बाय द स्क्रम मास्टर, तो स्क्रम मास्टर जो होते हैं वो RAD जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और वो इसके अंदर सारी के सारे जो रिस्क आ सकते हैं उनको अकोमोडेट करने के वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम स्क्रम मास्टर बोलते हैं। देन नंबर 14 पे हमारे पास इज स्पाइरल, स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या करते हैं, ये भी एक रिंग की फॉर्म के अंदर होता है। स्पाइरल मेथोडोलॉजी इसको भी हम 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। स्पाइरल मेथोडोलॉजी इज द एक्सटेंडेड वाटरफॉल मॉडल विद प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, कि उसमें क्या था कि हम वाटरफॉल के अंदर पहले प्रोटोटाइप नहीं देते थे बल्कि जो है वो फिक्स रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे होते थे, लेकिन जब आपकी बात स्पाइरल की आ जाती है तो स्पाइरल में हम क्या करते हैं कि हम पहले उसकी प्रोटोटाइप्स बना लेते हैं, ठीक है, और स्पाइरल को भी 2 तरीकों से किया जा सकता है, एक बिना प्रोटोटाइप के और एक विद प्रोटोटाइप के,
और जब आप बिना प्रोटोटाइप के बनाते हैं तो फिर आपकी जो है क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, और जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो पहले आप प्रोटोटाइप बना के अपने क्लाइंट से उन प्रोटोटाइप्स के जो स्केच हैं, यानी आपके जो यूज़र इंटरफेसिस हैं या आपके जो वायर फ्रेम्स हैं, उनको आप पहले अप्रूव करवा लेते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट से। दिस मेथड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वाटरफॉल मॉडल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। और ये याद रखिएगा कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, तो नंबर 15 जो है हमारे पास क्या है जी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नंबर 16 है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है, इसको बहुत सारे लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट के लिए ये फिजिबल नहीं है। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन इन अ प्रैक्टिस फॉर डिसेड्स बिफोर द न्यू मेथोडोलॉजी वर इंट्रोड्यूस, यानी जब तक कोई मेथोडोलॉजी नई नहीं आई थी तो तब तक फिर वाटरफॉल ही लोग इस्तेमाल कर रहे थे। दिस मॉडल डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैज़ फिक्स्ड फेजेस, लीनियर टाइमलाइन होता है, तब्दीली नहीं कर सकते, प्रीवियस नहीं फेज पे वापस नहीं जा सकते। दिस मॉडल इज नॉट कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन द मॉडर्न। तो आजकल जो लेटेस्ट आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स बन रहे हैं, जो आ गए हैं, उनके अंदर जो है वो आप चेंजेस को भी अकोमोडेट कर सकते हैं और अपने प्रीवियस फेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो 16 मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं जी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल्स या फिर प्रोजेक्ट मैथडोलॉजीज, ठीक है। तो इनको आपने जो है अच्छे तरीके से जो है गो थ्रू कर लेना। देन हमारे पास टॉपिक है जी रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, कि आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ताल्लुक है वो दूसरी डिसिप्लिन के साथ क्या है। नंबर वन जी बिजनेस एनालिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इंडस्ट्री के अंदर वो बिजनेस एनालिस्ट का होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बिजनेस एनालिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी ज़रूरी होती है। हाई लेवल रोल है जी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाई लेवल है, ठीक है। हेयर आर द हाई लेवल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, कि बिजनेस एनालिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो बिजनेस एनालिस्ट को हमने लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस लेकर आ रहा है, ठीक है, जो मार्केट से क्लाइंट को लेकर आ रहा है, ठीक है, जो निगोशिएट कर रहा है उसके साथ, तो परफॉर्म स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसका पहला रोल क्या है, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करता है। अ बिजनेस एनालिस्ट डज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विच कैन मीन एनी नंबर ऑफ थिंग्स, मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, एनालिसिस ऑफ हाउ द कंपनी कंपटीटर्स आर डूइंग थिंग्स, अ वेंडर सिस्टम एवेल्युएशन, पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन अप्रोचेस, आईटी विजनिंग एंड रोड मैप्स। तो ये सारे के सारे जो काम हैं ये आपके बिजनेस एनालिस्ट के रोल हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट की भी जॉब बे इंतहा आती है मार्केट के अंदर, और बिजनेस एनालिस्ट का जो जो सैलरी होती है ना, उस सैलरी के साथ उसकी प्रोजेक्ट की, हर प्रोजेक्ट के साथ उनकी परसेंटेज भी कुछ इंडस्ट्री वाले देते हैं कि अगर आप इतना इतनी वर्थ का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो हम उसमें से इतनी परसेंटेज जो है वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो कई मॉडल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो फॉलो किए जा रहे हैं। परफॉर्म बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये अपने बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर भी करता है, यानी उसको डिफरेंट जो है उसके फेजेस के ऊपर काम करता रहता है, और जहाँ पर जो तब्दीली करने की जरूरत पेश आती है उसको वो एडप्ट कर देता है। अ बिजनेस एनालिस्ट ऑफन रिव्यूज द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंट एंड ड्रॉ अप न्यू वर्क फ्लोज That reflect improved procedures, ठीक है। तो ये बताता है कि क्या क्या improvements आपको करने चाहिए, किस तरीके से हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर सकती है। They often make use of swim lane diagram to map out process. तो ये जो swim lane diagram है ये draw करके जो है ये अपने उन जो इसने procedures या processes जो इसने identify किए होते हैं उनको ये map out करके अपनी higher authority को जो है वो present करता है, ठीक है। तो gather system requirement, तो ये सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी आपके कस्टमर से कलेक्ट करके रहता है। फ्रॉम द सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, अ बिजनेस एनालिस्ट वुड फैसिलिटेट वर्कशॉप्स एंड सिस्टम यूजर्स एंड गैदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि उनके साथ वर्कशॉप आपकी कंडक्ट करवा के अपने क्लाइंट के साथ, और फिर वहां से आपको रिक्वायरमेंट इकट्ठी करके देना भी इसी की जिम्मेदारी में आता है। दे मेक यूज ऑफ टूल्स, वो बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, यूज केसेस भी बनाते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, ठीक है, और उनको राइट डाउन भी करते हैं ताकि सही तरीके से आपकी आप उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। उसके बाद सपोर्ट टेस्टिंग एक्टिविटीज, अ बिजनेस एनालिस्ट आल्सो सपोर्ट टेस्टिंग एक्टिविटीज इन द सिस्टम रोल आउट, ही और शी वुड नीड टू रिव्यू टेस्ट स्क्रिप्ट्स विच इंस्ट्रक्ट अ सिस्टम टेस्टर ऑन हाउ द टेस्ट द सिस्टम। ये मोस्टली जगहों पर नहीं भी होता ये काम, और मोस्टली जो है इंडस्ट्री वाले ये टास्क दे भी देते हैं,
बिजनेस एनालिस्ट को, ठीक है, मोस्टली नहीं भी देते, ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं वो यही करते हैं कि आपका सारा दिन काम ये है कि आपने ऑनलाइन जो है वो बिजनेस पकड़ना है और क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन रखनी है, ठीक है। तो मोस्टली जगहों पे जो है इसको टेस्टिंग के साथ भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि इसको टेस्टिंग के साथ इन्वॉल्व कराने का मकसद ये होता है कि इसने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करके जो है आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट लेकर दी हुई होती हैं, तो ये इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट को, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ रहा होता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है कि जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आई होती हैं उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करने के बाद जो है उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेट करके सिस्टम की सेंस क्रिएट करना, ठीक है, कि अगर सिस्टम को डिजाइन किया जाए किस पैकेज के थ्रू मैंने डिजाइन करना है, किस तरीके से फ्लो बनाना है इसका, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन से कंपोनेंट होने हैं, ठीक है, तो वो इसको जो है वो डिजाइन मोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद एवेल्युएशन डिजाइन ऑप्शंस, देर आर मैनी वेज टू रियलाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट, देर आर मैनी वेज टू रियलाइज सिस्टम रिक्वायरमेंट, यू नीड टू वे प्रोज एंड कॉन्स एंड कंसिडर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, ऑफन दिस रिक्वायर्स द डिजाइनर्स टू थिंक लॉन्ग टर्म द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन एंड फ्लेक्सीबिलिटी, ठीक है। तो इसका काम है कि ये इन चीज़ों को एवेल्युएट कर सकता है, ठीक है, एवेल्युएट करने के बाद जो है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी जो है वो डिजाइनिंग फेज को कंप्लीट करता है, ठीक है जी। उसके बाद ओवरसी लीड प्रोग्रामर, ठीक है, तो समटाइम जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर विल आल्सो नीड टू ओवरसी अ टीम ऑफ लीड प्रोग्रामर, ठीक है, टू इंश्योर दे आर री मीनिंग थ्रू टू द डिजाइन, ठीक है, यानी कि समटाइम उसको जो है आपने डिजाइन आपकी जो सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन करवाई जाती है। देखो समटाइम्स आपके प्रोग्रामर को समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर ये जो इंटरफेस आपने लगाया है, यहाँ पर ये जो चेक बॉक्सेस लगाए हैं, ये जो बटन्स लगाए हैं, यहाँ पर ये जो आपने जो है कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए हैं, आखिर इनकी रीजंस क्या थी, उनको समझाने के लिए फिर जो है वो उन दोनों की कम्युनिकेशन आपके प्रोग्रामर की भी और आपके डिजाइनर की भी मीटिंग जरूरी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, सम टाइम दिस रोल इज सेपरेट, बहुत सारी कंपनियों में जो है ये रोल जो है आपके प्रोग्रामर के साथ इंटरेक्शन करने वाला ये डिजाइनर प्ले करता भी है और मोस्टली नहीं भी करता, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी जो आपके पास जो कैटेगरी है वो आपके पास किसकी है जी, द आईटी मैनेजर की, ठीक है, और सॉरी टेस्ट मैनेजर की, जिसको आप क्यूए भी बोलते हैं, जिसको आप क्यूए भी बोलते हैं। तो ये क्यूए का रोल क्या है अभी, क्यूए का रोल क्या है आपके पास, क्यूए का रोल ये होता है कि उसने जो है सबसे पहले तो टेस्ट प्लान बनाना होता है, ठीक है, और टेस्ट प्लान बन रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर, इस सिस्टम ने बनेगा कैसे और उसके बाद उसके ऊपर एंड इनपुट्स क्या दी जाएंगी। उसके बाद जो टेस्ट प्लान होते हैं इनको टेस्ट स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, ठीक है, टेस्ट स्क्रिप्ट्स भी बोला जाता है, ये इसका भी कोड होता है। कुछ लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, और फिर उसके लिए फिर टेस्टिंग डाटा डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डाटे को यूज करते हुए हम जो है इस टेस्ट इस सिस्टम को वैलिडेट इस सिस्टम की वैलिडेशन चेक करेंगे, उसकी अरेंजमेंट करना, टेस्टिंग करना, टेस्टिंग टूल्स डिसाइड करना, ठीक है, टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स करनी है, व्हाइट बॉक्स करनी है, उसकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टेस्ट मैनेजर की होती है। देन ओवरसी टेस्ट स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कि इसने क्या करना है, बार बार अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को डेवलप भी करना है और उसके प्लान्स भी तैयार करने हैं, यानी यहाँ पर जिस चीज़ की प्लानिंग की थी अब उस चीज़ की ये डेवलपिंग करेगा, डेवलपिंग में वो मैनेजर को जो है अपने कॉन्फिडेंस में लेगा और उसको साथ साथ जो है वो बताता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी आपके टेस्टर को देनी पड़ती हैं कि अब आपने इस फेज के ऊपर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, जब तक कि आपके करेक्ट रिजल्ट नहीं आ जाते, ठीक है। तो मैनेजर का काम नहीं है कि वो टेस्टिंग करे, बल्कि टेस्टर टेस्टिंग के लिए आपके पास एक टेस्ट मैनेजर होता है या जो है सॉफ्टवेयर टेस्टर रखा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह आपकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का एक पर्सन भी आपने हायर किया हुआ होता है। तो अब इसने जो प्लान किया था उसके मुताबिक जो उसने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे, अब उन टेस्ट स्क्रिप्ट को जो है वो अप्लाई करेगा और उनके जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो आपके जो है वो हाईलाइट करके आपकी जो है डिफरेंट तरह की टेस्टिंग परफॉर्म करके, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी, ठीक है, और यूज केस लेवल की टेस्टिंग आपकी, स्ट्रेस टेस्टिंग आपकी, तो ढेर सारा की आपकी जो टेस्टिंग है उन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करके वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट जो है वो मैनेजर को दे देगा और प्रोग्रामर के साथ शेयर कर देगा, ताकि प्रोग्रामर जो है देन उन एरर्स के ऊपर मजीद काम करके दोबारा जो है उनके ऊपर अपने उन इश्यूज को फिक्स करके दोबारा आपके क्यूए को रिपोर्ट दे सके, ठीक है। तो इसका भी माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किया जाता है, यानी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स के अंदर क्रिएट करते हैं, वहीं पे आप उनको असाइन करते हैं।
अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है जी? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर सबसे पहले इनिशिएट किया जाता है आपका फेज। इस फेज के अंदर आप ऑथराइज होते हैं प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के। प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्स द गिव इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर। द प्रोजेक्ट चार्टर ऑथराइज द प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो भी आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपका प्रोजेक्ट का पर्पज होता है, आपका विजन होता है, उसका प्रोजेक्ट का मिशन होता है और उनके मेजरेबल ऑब्जेक्टिव और आपका सक्सेस क्राइटेरिया और आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर कौन कौन से कंडीशन इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी, कौन से प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे। तो ये सारे के सारे जो है ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जो बनाई जाती है ये आपकी प्रोजेक्ट की इनिशियल फेज के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, देन आपका सेकेंड फेज के अंदर फिर उनकी प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के अंदर फिर प्रोजेक्ट मॉडल अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल्स चूज किए जाते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल्स जो है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए चूज किए जाते हैं ताकि इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और डेवलप किया जा सके। ठीक है, देन नंबर थ्री फेज के ऊपर फिर उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, नंबर फोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के फेज में आपने जो अपनी प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन की हुई होती है, इस फेज के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट एंड प्रिवेंट एनी एरर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। यानी टेस्टिंग का जो फेज होता है आपका, उस टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी टेस्टिंग फेज जो है, टेस्टिंग फेज के अंदर उन एरर्स को चेक किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट को जो है सही तरीके से सक्सेसफुल रन नहीं होने दे रहे। दिस प्रोसेस इज आल्सो टर्म्ड एज अ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको आप एग्जीक्यूशन फेज की बजाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का नाम भी दे सकते हैं। आफ्टर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, स्पॉन्सर एंड स्टेक होल्डर, ही टेक्स द प्रोसेस टू द नेक्स्ट स्टेप। जब आपका एक माइलस्टोन सक्सेसफुली जो है उसकी कंफर्मेशन हो जाती है आपके स्टेक होल्डर से, आपके स्पॉन्सर से या आपके कस्टमर से, देन फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। और नंबर फोर स्टेप आपका टर्मिनेशन पॉइंट, जहां पर आप जो है उसको मार्केट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो डिप्लाई कर देते हैं। दिस जनरल लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर इज यूज वैन डीलिंग विद अपर मैनेजमेंट और अदर पीपल लेस फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये तब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं जहां पर आपके लोगों को, आपकी टीम को या आपके अपर मैनेजमेंट लेवल को जो है आपके प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कम है। सम पीपल माइट कन्फ्यूज इट विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। ठीक है, कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से, बट द लेटर कंटेन एक्टिविटीज स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ऑन अदर हैंड इट इम्प्लीमेंट इट इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर आउटकम द प्रोजेक्ट। यानी ये आपकी आपके प्रोजेक्ट की जो इंटरनल वर्किंग हो रही होती है हर हर फेज की, उसको ये डिस्टर्ब नहीं करती ये वाली एक्टिविटीज, बल्कि ये आपकी जेनेरिक एक्टिविटीज है जो प्रोजेक्ट को ओवरऑल मैनेज करने के लिए यूज की जाती हैं। तो जेनेरिक लाइफ साइकिल कॉमनली एग्जिबिट द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी जेनेरिक एक्टिविटीज होती हैं लाइफ साइकिल की, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जी? एट द स्टार्ट आपकी कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, आपके स्टाफ लेवल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके आपके वर्क की प्रोग्रेस का आपको अंदाजा होना चाहिए। इट अगेन स्टार्ट एंड ड्रॉप रैपिडली एज अ प्रोजेक्ट बिगेन टू हॉल्ट। और आप जल्दी से जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश होने की तरफ जाए या आपका प्रोजेक्ट जो है वो लो क्वालिटी की तरफ जाने की कोशिश करे, तो फौरन आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, देन टिपिकल कॉस्ट एंड स्टाफिंग कर्व डज नॉट अप्लाई टू ऑल प्रोजेक्ट। यानी हर तरह, हर एक जो प्रोसेस लाइफ साइकिल है उसके जो फेजेस हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन से स्टेप्स को या कौन कौन से मैनेजमेंट टैक्स को जो है वो यूटिलाइज करना है। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर एट देयर पीक एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट से सारे रिलेटेड रिस्क आ सकते हैं उसको आपने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेना है। These factors drop over the life cycle of the project as decisions are reached and deliverables are accepted. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन सारे के सारे फैक्टर्स जो आपके आ सकते हैं ड्यूरिंग आपके लाइफ साइकिल, उन सब का डिसीजंस आपने पहले से ले लेना है। ठीक है, द एबिलिटी टू अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट इम्पैक्टिंग। ये जो लाइफ साइकिल होते हैं ये आपके प्रोजेक्ट की फाइनल जो प्रोडक्ट आपने तैयार करके देनी है उसकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपने इसलिए स्टार्ट में ही इन लाइफ साइकिल्स को अच्छे तरीके से चूज करना है। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट हो, आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के साथ रेलिवेंट हो, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट के साथ रेलिवेंट हो, आपकी टीम की स्किल्स के साथ रेलिवेंट हो, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो है अपने लाइफ साइकिल को जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई इशू आपको कोई इसके अंदर पेश आया तो वो मेरे से आप डिस्कस करें टीम को ज्वाइन करके, ठीक है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।